नमस्कार, आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। लखनऊ के सुल्तानपुर मार्ग पर स्थित इन्होना पुलिस चौकी को उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस थाने में परिवर्तित कर दिया, जिसका राजमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार मयंकेश्वर शरण सिंह ने विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर पुलिस कर्मियों ने मुख्य अतिथि को सलामी गार्ड द्वारा सलामी देकर अभिवादन किया गया। तदोपरांत मुख्य अतिथि राजमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार मयंकेश्वर शरण सिंह द्वारा नवसृजित थाना इन्होना का उद्घाटन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी अमेठी राकेश कुमार मिश्र, पुलिस अधीक्षक अमेठी इलाम मारन, अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी हरेंद्र कुमार, क्षेत्राधिकारी गौरीगंज, पुलिस के अन्य अधिकारी कर्मचारी गढ़वाल थाना क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने बताया, नवसृजित थाने से थाना क्षेत्र में होने वाले अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण व आम जनमानस को सुरक्षा त्वरित सहायता अविलंब प्रदान की जाएगी। संदीप सिंह की रिपोर्ट। के इन्होना थाने के उद्घाटन के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित जिले के यशस्वी और बहुत ही कर्मठ जिलाधिकारी महोदय, जिले के कर्मठ और यशस्वी कप्तान साहब, सीओ साहब, एसडीएम साहब, सिंहपुर विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख श्री अंकित पासी, तिरोई ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रिय मुन्ना सिंह जी, सभी प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण और जिले के कई थानों से आए हुए सभी पुलिसकर्मी, एसपी साहब, आदरणीय प्रमुख जी, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि कितने हमेशा ही जाते आते चौकी दिखती थी। हमेशा जब मैं जिले पोस्ट हुआ तो हमें बताया गया कि जैसे आप जाएंगे नमा चौकी पड़ेगी आपको, उसके बाद रास्ता में पता चला था। तो आप सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हमें ये बताया गया, आज इंडस्ट्री के लोग आए थे मुझसे मिलने के लिए, कि औद्योगिक क्षेत्र की बहुत डिमांड थी इस चौकी को खाना बनाने के लिए। अमेठी आपको पता है कि एक औद्योगिक जिला है, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है, और अभी आज मैं बात कर रहा था तो पिछले एक साल में 2000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट जिले में आया है। अभी हम लोग सोमवार को यानी 28 तारीख को जगदीशपुर में भी इंडस्ट्री की कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं, इसमें करीब 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमको आने की पूरी उम्मीद है। तो इंडस्ट्री के लोगों की बहुत डिमांड थी कि ये जो चौकी है ये थाना बनानी है। तो ये बहुत ही आप सबको लगता होगा कि ऐसे सामान्य बात है, तो इसका बड़ा ही रणनीतिक महत्व चौकी का है। हाईवे की तो चौकी हमारी है ही, हाईवे का थाना हमारा है ही, उद्यमियों की तरफ से बहुत इसकी डिमांड थी। तो ये बहुत सौभाग्य का समय है, वो अच्छी बात है। पुलिसिंग हमारी बढ़ रही है, हमारी पहुंच बढ़ रही है, हम तमाम मामलों को जितना ज़्यादा हमारी रीच बढ़ेगी, घटनाओं पर पहुँचने का समय हमारा उतना कम होगा। आप सबको यहाँ आने जाना पड़ेगा, तत्काल आपको सहायता मिल जाएगी और हमारे लिए जरूरी है कि हमारी पहुंच, हमारी पकड़ जनपद के हर क्षेत्र पर रहे। थाने से हमारे यहाँ का अपराध प्रशासन, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था और बेहतर होगी, इस बात का हमें पूरा विश्वास है। मैं माननीय मंत्री का बहुत आभारी हूँ कि बहुत संक्षिप्त समय पर हमने सर से अनुरोध किया था और वो बहुत कृपालु हैं, बहुत कृपा करते हैं हमारे ऊपर, तत्काल उन्होंने समय दे दिया हमको। ये कार्यक्रम बिल्कुल 2 दिन के उसमें से भी कम समय में संभव हुआ है। स्थानीय प्रभारी, स्थानीय पुलिस के लोग इस बात के लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, इतना अद्भुत, इतना अच्छा इंतजाम किया। और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आप सबको पुनः बधाई देता हूं, धन्यवाद। ये इस जिले का 16वां थाना है। मेरा सौभाग्य है, ये हिस्टोरिकल मोमेंट है मेरे लिए। ये थाना बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्होंने तो कई साल से ये चौकी है, ये पहले चौकी होना चाहिए था, थाना होना चाहिए था, लेकिन राजा साहब का इतना प्रयास करके उन्होंने ये थाना यहाँ बनवाए, उसका फायदा सबका यहाँ क्षेत्रवासियों का मिलेगा। मेरा ने क्यों सौभाग्य बोला है, ऐसे इंडिपेंडेंट चार्ज कप्तान, ये मेरा पहला थाना है, मेरे मैं जिले का मुखिया हूँ, मेरे सामने उद्घाटन हो रहा है, ये हमेशा में मेरा याद में रहेगा। मैं बहुत अच्छा लगता है, मैं ज्यादा समय नहीं, राजा साहब को भी जाना है, इसलिए मैं सबको दो क्षेत्रवासी की मदद किया है ये ताने इस्टेब्लिश करने के लिए, साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये ताना 16वां ताना है,
ये लोकल पब्लिक के भी बहुत अच्छा रहेगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, समय नहीं है, मैं समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। खबर में बस इतना ही, बने रहें NIP News के साथ।